हाय स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट एक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बीएससी एस जुलॉजी ऑनर्स पार्ट वन के लिए है और मैं हूँ मुग्धा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल और उसके ऑर्गेनल्स के आउटर मोस्ट बाउंड्री मेम्ब्रेन को कहते हैं जैसे कि आप यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है उसके अलावा आपको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस जैसे सेल ऑर्गेनल्स के आउटर मोस्ट बाउंड्री को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और ये सेमी परमीएबल एंड सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है इसके अलावा ये ना सिर्फ बाउंड्री को डिफाइन करता है किसी भी सेल और उसके ऑर्गेनल्स को बल्कि टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डिफरेंट आइटम्स अलॉन्ग द सेल को मेनटेन करता है रेगुलेट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली बना हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का फॉस्फोलिपिड मेनली हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर पार कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का और इसके अलावा हाइड्रोफिलिक पोलर कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है प्रोटीन ये आपको दिख रहा है प्रोटीन तो ये जो प्रोटीन है वो मेनली ट्रांसपोर्टर चैनल्स और गेटेड uh, सिग्नल ट्रांसडक्शन जैसी चीज़ों में मददगार साबित होते हैं और ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर है वो मिलली बैरियर की तरह काम करता है और उन्हीं चीज़ों की इंट्री की इजाज़त देता है या बाहर जाने की इजाज़त देता है जो हाइड्रोफोबिक हो इसी की तरह हाइड्रोफोबिक मतलब फैट में सॉलीबल हो आयल में सॉलीबल हो लेकिन हाइड्रोफोबिक यानी पानी में सॉलीबल ना हो पानी में इंसॉलिबल हो वाटर इंसॉलिबल हो तो ऐसी चीज़ें हाइड्रोफोबिक चीज़ें कहलाती है फॉस्फोलिपिड मतलब ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है और लिपिड मतलब ऐसा ऐसी चीज़ें जो फैट सॉलेबल होते हैं मेनली ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हो गया ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड इमिनो आलकोहल हो गया ये सब चीज़ें hmm. फंक्शनल रोल बेसिकली प्रोटीन का है यही चैनल की तरह रिसेप्टर की तरह ट्रांसपोर्टर की तरह रोल प्ले करता है कोई भी आयन जैसे कि यहाँ पे आपको सोडियम और पोटासियम का एग्जाम्पल दे रही हूँ एन ए प्लस और के प्लस का तो सोडियम की मात्रा एन ए प्लस की मात्रा सेल के बाहर काफ़ी ज़्यादा है और सेल के अंदर काफ़ी कम है ये देखिए उसी तरह पोटासियम की मात्रा सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा है और सेल के बाहर काफ़ी कम है तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग मात्रा होता है सेल के बाहर और अंदर और इसको रेगुलेट किया जाता है सेल के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जैसे कि आप ये टेबल देखिए यहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट की मात्रा दी हुई है ये जो पहला कॉलम है ये कॉलम आपको दिखाता है ऐसी चीज़ों की मात्रा या ऐसी चीज़ों के ये जो ऐसी चीज़ों की कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर दिखा रहा है दूसरा कॉलम सेल के बाहर का आपको दिखा रहा है तो पहले कॉलम में आप देख सकते हैं पोटासियम जो है सेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा है वन थर्टी नाइन लेकिन सेल के बाहर वही पोटासियम काफ़ी कम है फोर मिली सोडियम की बात करें तो सोडियम सेल के अंदर काफ़ी कम है मात्र 12 मिली लेकिन वही सोडियम सेल के बाहर काफ़ी ज़्यादा है 145 फोर्टी लेकिन रेस्टिंग स्टेज में कोई भी सेल कोई भी नॉर्मल सेल निगेटिवली चार्ज होता है और वो निगेटिव चार्ज क्यों होता है वो निगेटिव चार्ज होता है एक्स माइनस के कारण ये एक्स माइनस वो सारी चीज़ें आ गई जो प्रोटीन हो गया ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए एमाइनो एसिड्स हो गए, डी हो गया वो सभी क्या है इन्हीं सेल के अंदर निगेटिवली चार्ज स्टेज में होते हैं इसलिए सेल का जो इंटीरियर पार्ट है रेस्टिंग स्टेज में माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट होता है टू टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी आइटम का फ्लो जो है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विथाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होता है मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपली ऐसे समझिए कि कोई अमीर आदमी है वो गरीब आदमी को पैसा देता है मतलब जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो जाके किसी गरीब को दे रहा है तो ये जो फ्लो ऑफ पैसा कहाँ से हो रहा है जिसके पास ज़्यादा है वहाँ से जिसके पास कम है उसके पास तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी ऐसा ही होता है कि जहाँ पे आइटम ज़्यादा है कंसंट्रेशन किसी चीज़ का ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कंसंट्रेशन उस चीज़ का कम है वहाँ की ओर फ्लो होना तो ये जो सिचुएसन है ये करके क्या होता है स्टेबल स्टेट यानी लो एनर्जी स्टेट को गेन करता है सेल पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो तरीके का होता है एक होता है सिंपल डिफ्यूज़न और दूसरा फैसिलिएटेड डिफ्यूजन यहाँ समझिए सिंपल डिफ्यूज़न को पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेल के बाहर काफ़ी ज़्यादा है मतलब ब्लड वेसल में पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 मिलीमोलर नाइन्टी एम एम है और पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन सेल के अंदर काफ़ी कम है मात्र 20 एम एम ये पार्सल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन या अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो चूंकि सेल के बाहर ज़्यादा है या ब्लड वेसल में ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है या, या साइटोसोल uh, में कम है और चूँकि ऑक्सीजन जो है काफ काफ़ी नॉन पोलर रेस्पिरेटरी गैस है तो आराम से फॉस्फोलिपिड को बैरियर को पार करता है और इनफ्लो होता है मतलब सेल के अंदर आता है ऑक्सीजन उसी तरह ये ऑक्सीजन क्या होता है यूटिलाइज होता है सेल में ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट या मेटाबॉलिक वेस्ट तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का पार्सल प्रेशर इसी कारण से सेल के अंदर काफ़ी कम है ज़्यादा है 52 टू एम लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड वेसल में कम है 40 एम एम तो ये पार्सल प्रेशर डिफरेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड का या अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है मतलब सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के बाहर कम है तो इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सेल के बाहर चला जाता है ब्लड वेसल में चला जाता है और ये सिंपल डिफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिंपली कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है पार्सल प्रेशर डिफरेंस है और नॉन पोलर होते हैं तो इसलिए फॉस्फोलिपिड हाइड्रोफोबिक बायलेयर को आराम से क्रॉस कर जाते हैं मैंने कहा था कि कई बार गरीब आ, अमीर आदमी डायरेक्टली गरीब आदमी को पैसे दे देता है लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है तो क्या करना होता है गवर्नमेंट बीच में आती है वो फैसिलिटेटर का काम करती है वो अमीरों पर टैक्स लगाती है और वो जो टैक्स वसूली करती है वो गरीबों को दे देती है तो यहाँ गवर्नमेंट फैसिलिटेटर का काम करती है क्यों क्योंकि हर अमीर आदमी का दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो गरीब को जाके डायरेक्ट पैसा दे इसी तरह सेल भी किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से नहीं ले सकता फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है तो वो उन्हीं चीज़ों को आसानी से लेता है जो हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर हो लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे सेल को जिसकी ज़रूरत है लेकिन वो सेल के अंदर आसानी से नहीं आ सकती कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी है मतलब सेल के बाहर उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू सेल के अंदर मतलब वो चाहे तो आ सकते हैं लेकिन आने के लिए उनके रास्ते बंद है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक होते हैं इसलिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बैरियर को आसानी से पार नहीं कर सकते जैसे कि ग्लूकोज की ही बात ले लीजिए जो आप खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल में जाता है और ब्लड वेसल के थ्रू लीवर में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में जाने होते हैं ग्लूकोज को क्योंकि वहाँ उसे एनर्जी बनाना है और एनर्जी तो आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में चाहिए ही चाहिए तो ये ग्लूकोज चूँकि हाइड्रोफिलिक है वाटर सॉलिबल है इसलिए फॉस्फोलिपिड के बायलेयर को आसानी से पार नहीं कर सकता लेकिन चूँकि सेल के बाहर ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है तो सेल चाहता है कि ये बिना एनर्जी खर्च किए चुपचाप अंदर आ जाए क्योंकि अगर मैंने इसको जगह दे दी आने के लिए इसको सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया तो ये आसानी से आ सकता है इसलिए सेल के पास क्या होता है यूनिपोटर जैसे आप यहाँ पे ग्लूकोज यूनिपोटर देख सकते हैं इस केस में क्या होता है ये आरबीसी का मेम्ब्रेन है यहाँ पर सेल के अंदर आसानी से ग्लूकोज इंट्री मारता है किसके थ्रू यूनिपोटर के थ्रू इसके अलावा एलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ अनायन एक्सचेंज भी हो रहा है ये अनायन एक्सचेंज जैसे कि बाइकार्बोनेट अनायन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के बाहर जा रहा है थ्रू अनायन एक्सचेंज प्रोटीन और उसी उसी को बैलेंस करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए क्लोरीन आयन सेल के अंदर आ रहा है तो फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न मेनली ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू होता है जो यूनिपोर्टर हो सकते हैं अनायन एक्सचेंज प्रोटीन हो सकते हैं चैनल प्रोटीन भी हो सकते हैं चैनल प्रोटीन और ऑस्मोसिस के बारे में आगे पढ़ते हैं वाटर का भी टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है कई बार सेल के अंदर पानी आता है जब सेल के बाहर पानी काफ़ी ज़्यादा हो और सेल के अंदर पा, पानी काफ़ी कम हो तो वो जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर के थ्रू भी और इसके अलावा चैनल प्रोटीन एक्वापोरिन के थ्रू भी वाटर इंट्री करता है मैं आपको बता दूं कि चूंकि वाटर तो अपने आप में हाइड्रोफिलिक आइटम है पोलर आइटम है लेकिन वो साइज में कम होने के कारण फॉस्फोलिपिड बायलेयर के जो बीच में गैप्स थोड़े बहुत होते हैं उनके थ्रू पास कर जाता है हालांकि वो मूवमेंट काफ़ी स्लो है और एक्वापोरिनस के थ्रू फैसिलिएटेड डिफ्यूजन के फॉर्म में वाटर या तो इंटर कर सकता है या सेल के बाहर जा सकता है तो मूवमेंट ऑफ वाटर या कोई भी सॉल्वेंट एलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जहाँ पे वाटर ज़्यादा है वहाँ से फ्लो करता है कहाँ जहाँ पानी कम है जैसे कि आप ये वाला पाइप देखिए आप ये वाला देखिए इसमें आपको दिख रहा है मान लीजिए ये वाला जो भाग है इसमें क्या है नमक ज़्यादा है और इस भाग में नमक कम है बीच में एक दीवार है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तो जहाँ पे नमक ज़्यादा है वहाँ से वहाँ से पानी को क्या करना होगा वहाँ पानी चाहिए ताकि दोनों इक्िब्रियम कंडीशन में आ जाए तो जहाँ पे नमक कम है इस वाले भाग में वहाँ से पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार करके इस वाले हिस्से में आ जाता है जहाँ पे नमक कम ज़्यादा था वहाँ पानी आ जाता है कहाँ से जहाँ नमक ज़्यादा कम था तो ये जो मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम फ्रॉम मोर डाइल्यूटेड सॉल्वेंट सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूटेड या मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम मोर डायल्यूटेड सॉल्यूशन टू लेस डायल्यूटेड या मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस ये ऑस्मोसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही ऑस्मोसिस एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो प्लांट सेल्स हैं जो प्लांट के रूट्स हैं वो कैसे पानी को एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से और वाटर टेबल से अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आइटम का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है विद द एड ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसके इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है एक होता है प्राइमरी एक्टिव और दूसरा होता है सेकेंडरी एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेडिएट होता है मेनली ए पावर्ड पम्प के थ्रू ये ए पावर्ड पम्प चार तरीके के होते हैं एक होता है पी टाइप दूसरा भी टाइप तीसरा होता है ए बी सी टाइप और चौथा होता है एफ टाइप ये पहला है पी टाइप दूसरा है भी टाइप तीसरा एच टाइप या एफ टाइप और चौथा ए बी सी टाइप अब आप यहाँ पर पी टाइप का एग्जाम्पल देखिए ये मेनली सोडियम पोटासियम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है ए टी पंप है जिसमें क्या है तीन सोडियम को बाहर निकाला जाता है और दो पोटासियम को सेल के अंदर लिया जाता है ये पी टाइप ए टी पंप आपको कहाँ दिखेंगे आपको इसके अलावा मसल्स में भी दिखेंगे मसल में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कैल्शियम आयन से डिपोजिट होते हैं और जब मसल को सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्ट करने का तब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन निकलता है थ्रू ए पंप और वो ए पंप पी टाइप ए मतलब फास्फोराइलेशन टाइप ए होता है जिसमें ए का हाइड्रोलाइसिस के थ्रू और फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ही आइटम का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो पाता है कई बार ऐसा भी होता है कि सेल जो है एटीपी को डायरेक्ट खर्च नहीं करता है बिना एटीपी के खर्च किए भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है सेल सेकेंडरी एक्टिव में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि एटीपी खर्च हो एक आइटम का एलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है और चूँकि उसका एलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट होता है तो उस कारण से जो एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है किस केस में दूसरे आइटम का अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्ट करने के केस में जैसे जब आप खाना खाए और खाना पच गया इंटेस्टाइन में तो ग्लूकोज बना तो ये जो ग्लूकोज बना ये ग्लूकोज को अब आपको क्या करना है ब्लड वेसल्स में पहुंचाना है डिफरेंट डिफरेंट सेल्स के पास ले जाना है तो ये ग्लूकोज जब बना तो इसके केस में क्या करना है अब डायरेक्ट तो अंदर आ नहीं सकता और सेल के अंदर भी अब सिचुएसन क्या है क्या है नहीं पता नहीं तो क्या होता है सोडियम जो है सेल के अंदर हमेशा कम रहता है पहले ही बता चुकी हूँ और सेल के बाहर ज़्यादा होता है तो सोडियम क्या है अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा जब वो मूव करेगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट तो चूँकि वो लो एनर्जी स्टेट स्टेट में आ रहा है तो वो उसके उस कारण से क्या होगा वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो उस एनर्जी के रिलीज होने के कारण जो ग्लूकोज है उस एनर उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज भी इसी इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर आ जाता है यहाँ आप देख सकते हैं सोडियम अटैच हुआ और फिर ग्लूकोज भी उस कारण से अटैच हो गया और फाइनली सोडियम और ग्लूकोज सेल के अंदर रिलीज हो गए ये क्या था सेकेंडरी एक्टिव सिम्पोर्ट था मतलब सोडियम और ग्लूकोज दोनों का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन सोडियम का अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और उस कारण जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को यूटिलाइज करके ग्लूकोज का अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होता है यही चीज़ एमाइनो एसिड्स के साथ भी होता है फैसिलिएटेड डिफ्यूजन जो मैं आपको बता रही थी जिसके केस में एलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो होती हैं चीज़ें और उस उस केस में क्या होता है लेकिन उस केस में कई बार ऐसा होता है कि एलॉन्ग द कन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट फ्लो हो रहा है लेकिन उसमें फैसिलिटेटर प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन का ज़रूरत है जैसे कि जब हम ग्लूकोज हमारे बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है हमारे सेल्स में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर ब्लड में आएगा और ब्लड से जाके आरबीसी में जाएगा आर में वही कार्बन डाइऑक्साइड आर में क्या करता है वही कार्बन डाइऑक्साइड आर में जाकर बाइकार्बोनेट बनाता है ये बाइकार्बोनेट चूँकि अगर आर के अंदर रह गया तो डैमेज कर सकता है इसलिए आर से बाहर आना इसके लिए बहुत ज़रूरी है तो आर से अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट विद द एड ऑफ़ कैरियर प्रोटीन बाहर आ जाता है लेकिन उसी चीज को बैलेंस करने के लिए कौन अंदर जाता है अंदर जाता है क्लोराइड आयन ठीक है तो ये भी एक फैसिलिएटेड डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है जिसमें ट्रांसपोर्ट हो रहा है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लेकिन थ्रू फैसिलिएटेड प्रोटीन कैरियर प्रोटीन वो जो हो रहा था वो एट द लेवल ऑफ टिश्यू हो रहा था एट द लेवल ऑफ सेल्स हो रहे थे लेकिन जब पल्मोनरी लेवल पे पहुंचते हैं तो उस केस में क्या होता है उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के थ्रू शरीर से बाहर जाना रहता है एक्सपायरेशन के समय तो ये जो इसलिए क्या होता है बाइकार्बोनेट आयन जो है वो आर में आता है और आर में आकर बाई कार्बोनेट आयन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है कार्बोनिक कहना के प्रेजेंस में तो वो कार्बो कार्बन डाइऑक्साइड फाइनली आर से बाहर आता है लंग्स में जाता है और लंग्स के थ्रू फिर बॉडी से बाहर आ जाता है और उसी को बैलेंस करने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने के लिए क्या है बाइकार्बोनेट को बैलेंस करने के लिए क्लोराइड आयन आर से बाहर आ जाता है सेल के तो इनिशियली क्या हो रहा था क्लोराइड शिफ्ट हो रहा था एट द लेवल ऑफ टिश्यू और एट द लेवल ऑफ लंग्स क्या हो रहा है रिवर्स ऑफ क्लोराइड शिफ्ट कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो डिफेक्टिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के कारण होता है उनमें से एक जेनेटिक डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसके केस में क्या होता है क्लोराइड आयन ब्लॉक कर जाता है लंग्स का और उस कारण से क्लोराइड आयन के ब्लॉक कर जाने के कारण क्लोराइड आयन जो लंग्स के जो सेल्स होते हैं उसके थ्रू लंग्स के जो कैविटी होती है उसमें नहीं आ पाता तो क्लोराइड आयन चूँकि बाहर नहीं आ पाता तो उस कारण से पानी भी बाहर नहीं आ पाता है और जो जो कैविटी है लंग की वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है और ड्राई होने के कारण वहाँ क्या होता है बैक्टीरिया के पनपने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एक दूसरी बीमारी है कोलेरा जो बिबरी क्लोरी बैक्टीरिया से होती है और इस केस में क्या होता है इंटेस्टिनल वाल में क्लोराइड आयन के सिक्रीसन को बढ़ा दिया जाता है ल्यूमन में बहुत ज़्यादा क्लोराइड आयन सिक्रीसन हो जाता है जिसके कारण कि ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ वाटर भी होता है और फाइनली डिहाइड्रेशन डायरिया जैसी सिचुएसन होते हैं तो इसलिए ओ आर एस का घोल दिया जाता है ताकि सोडियम और बाकी मिनरल्स जो हैं वो फाइनली इंटेस्टिनल सेल्स में जाएं और उसके कारण ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के कारण फाइनली वाटर भी सेल्स के अंदर जाए और डिहाइड्रेशन स्टॉप हो सके तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का हमारा क्लास ख़त्म होता है थैंक यू